हाँ जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो आज का ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ आपको छोटा सा मैसेज देना है। मैसेज क्या है आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। बहुत इमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको मैसेज देना है। अभी हम बाहर जाते हैं, अपने घर के बाहर एक बंदे का इंतजार कर रहे हैं। वो बंदा मुझे लेने आ रहा है, तो उसके साथ एक जगह पे जाना है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अवेयरनेस हो कि हमें भी इस काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए और भरपूर अपनी दिलचस्पी जाहिर करनी चाहिए इस काम में। तो अभी चलते हैं बाहर, बंदा आता ही होगा। हाँ जी, तो गाइस बंदा आ चुका है। बंदे का वेट कर रहा था बहुत देर से, तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। बहुत इमरजेंसी है, मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगा। हाँ जी, तो गाइस ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम आए हैं। न्यू मदीना मेडिकेयर हॉस्पिटल है और यहाँ पे मैं खून देने आया हूँ। ये भाई मुझे लेके आया है और इस भाई की बेगम का डिलीवरी केस है। A few moments later. तो गाइस अभी मैं यहाँ पे सैंपल दूंगा, सैंपल टेस्ट वगैरह होंगे। टेस्ट वगैरह के बाद ये मेरा ब्लड लेंगे। हाँ जी, तो गाइस अभी 10 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि सैंपल दिया है, वो टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद हम ब्लड वगैरह देंगे। 5 minutes later. खून में दे देना वा, पर मैंने सिरिंज की जरा भी ना चुभन ना हो जाते, मैं बुरा रोना होंगे। सही गल है, मेरे को दो बोतल लै लो। सही गल है, बाकी मैं बड़ा डर लगता सुई तो। हाँ जी, तो गाइस अभी मैं ना यहाँ पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो ब्लड दिया है, टेस्ट वगैरह करेंगे, फिर वो मेरा ब्लड वगैरह लेंगे। 10 मिनट वेट करते हैं यहाँ पे बैठ के। ये जो हॉस्पिटल है ना, लोकल्स है, अल मदीना हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे कोई मतलब डॉक्टर वगैरह ना अच्छे नहीं है। ऑपरेशन था, डिलीवरी केस है, तो इसीलिए ना एमरजेंसी यहाँ पे आना पड़ा। भाई मुझे ना सुबह से कह रहे थे कि भैया आपका ब्लड लेना है, पर उससे पहले ना बहुत बंदों को उन्होंने कहा था, उन्होंने ना कर दिया है। कितने बजे ऑपरेशन? 9 बजे। 9 बजे? अच्छा, वो आ गया डॉक्टर, आ गया। आया आया यार, तेरा इंतज़ार हो रहा सी, जल्दी जल्दी खून कट ला यार मेरा। हाँ जी, तो गाइस अभी मैं खून दे रहा हूँ, तो 5 मिनट लगेंगे खून निकलते हुए। तो गाइस बहुत ज़्यादा ना बंदा
प्यार मुहब्बत वाला था, तो मेरा ऑन नेगेटिव फोन है। अच्छा यार सर, मैं ये भी सुनया कि मतलब अगर ना फुल हो जावे ना तो बैक मार दिंदी, अटैक वगैरह भी हो जाता, इदा का कोई सीन नहीं होता? फट जाती है, फट जाती बोतल, फट जाती मतलब इंसान कुछ नहीं होता। बैक तो मारती है, बैक में छोटा लो। अच्छा जी, चलो अल्लाह का करे। वैसे थोड़ी कमजोरी फील हो लग पी है, तो कोई नहीं, अल्लाह ही सपोर्ट दा। वैसे अज तक मैंने जिन्हें भी कहा ना कि भाई खून लेना तेरा, मैं उस टाइम ही भजा गया, खून वगैरह निकाल लिया वा, तो हूँ थोड़ा जहा ना रेस्ट कर लीए, तकरीबन अद्धा घंटा हूँ रेस्ट करा असी, कमजोरी बहुत ही फील हो रही है। अच्छा भाई, ए भाई की बेगम हैगी भाई, जो भी खुशखबरी आवे ना मैनू जरूर कॉल करानी, अल्लाह खैर खैर टाइम लिया। हाँ तो गाइज, मैं घर आ चुका हूँ और काफी इजी फील हो रहा है, हल्का फुल्का हो गया हूँ मैं। वैसे 3 महीने में एक मरतबा जरूर खून देना चाहिए, और गाइज आपकी वजह से अगर किसी का भला होता है ना तो जरूर करें, क्योंकि अगला बंदा पता नहीं किस मजबूरी में आपको कहता है, पता नहीं कितने बंदों के पास जाके उसने तरले किए होंगे फिर आपके पास आया होगा। तो इसीलिए यार, अगर कोई भी आपको कहे ना कि यार मुझे ब्लड चाहिए तो ज़रूर देना चाहिए। मुझे तो पता है कि जो भी मैं बंदा मेरे पास आता है ना वो मजबूरी में ही आता है, क्योंकि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और मुश्किल से मिलता है, और आज तक मैंने 5 बोतलें दे दी हैं। किसी की माँ बहन बेटी बाप भाई की आपकी वजह से ज़िंदगी बच जाए तो कितनी बड़ी बात है यार। ये आपने किसी के लिए नहीं करना, किसी पर एहसान नहीं करना, ये आपने अपने लिए करना है, अपने अल्लाह की ज़ात के लिए करना है, आपने अपनी आखरत के लिए करना है। तो इस चीज़ में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करनी है।